It's a love story. You'll enjoy. Hey, I'm really sorry. I got stuck up somewhere. इसलिए थोड़ा late हो गया. I'm hungry. कब से wait कर रही हूँ? I got stuck up. चलो, let's go eat. Must food है. Hi, Priyanti. Hey, Rahul. अरे Rahul, तुम लोग ना खाना खा लो. पता नहीं नेहा कब तक आएगी और खाना बेकार में ठंडा हो रहा है. कैडी, वो लंच बॉक्स जो मैंने रिद्धिमा और सायमी के लिए पैक किया ना, वो राहुल को याद से दे देना, ओके? Good. बहुत कुछ है. There is paratha. Here you go. And पालक पनीर and हर दाल. उनकी दाल ना बेस्ट होती है सच्ची में. And I believe this is some पुलाव, कुछ कश्मीरी पुलाव यार. अरे तुम लोग बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? या या. ये सारा खाना प्रिया आंटी ने अकेले बनाया? Yes, from the scratch सब कुछ उन्होंने किया. It's amazing ना? Impressive हाँ. Delicious. Yeah, auntie, khana delicious hai. I mean, you're an awesome cook, huh? Aap na time waste kar rahi ho is book cafe mein. You should be on a cookery show. Actually, you're right. Aisa lag raha hai tumhe na tumhari maa ne sikha ke bheja ye sab bolne ke liye. Mujhse kaha tha cafe main handle karungi. Bookshop tum handle karna. Aur ek bhi din nahi aayi hai. Aur ab tum ye tareef karna chhodo, jaldi se khana khao, okay? आप भी खाओ ना. I mean, मैं इतना भी greedy नहीं हूँ कि I can share some of my food. नहीं, मुझे अभी बहुत काम है और मैं काम के बीच में खाना नहीं खा सकती. वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं लग रही. I'm waiting for Pihu. उसको आने दो, उसके साथ खा लूँगी, okay? तुम लोग खाओ. Dear, थोड़ा सा तो खा ही सकती थी. Don't bother. वो नहीं खाएंगी. सुबह से ना silly reasons ढूंढ रही है नहीं खाने के लिए. पता है क्यों? She's fasting. आज करवा चौथ है ना, पिछले 5 सालों से देख रही हूँ, सबसे छुपके unforgettably वो व्रत रखती है. It's amazing यार, प्रिया always underplaying it. कभी नहीं बताएंगी that she's doing something. You know what? I have all my respect to women. I mean, पूरे दिन ना खाना खाती हैं, पानी भी नहीं पीती. How do they even manage? मेरी मॉम भी रखती हैं करवा चौथ. Yeah, I know. That no water thing ना वो ज़्यादा difficult हो रहा है. You know what? It's tough. But at the same time, it's romantic as well. I mean, I hope ki koi ladki mere liye karva chauth rakhe. You know, pure din na khana khaye, na pani piye. Sirf mere liye dua kare. Haan, par tum mujhe aise kyun dekh rahe ho? Arre, tumhe kya dekh raha hu? Mere samne baithi ho, isliye dekh raha hu. Please, main kabhi kisi ke liye karva chauth nahi rakhungi. Haan, agar mera husband rakhega na, to main shayad consider karu. Husband? But आगे की सोच है तुम्हारी. Obviously, कोई एवे टाइम पास बॉयफ्रेंड के लिए नहीं करूंगी मैं. It has to be worth the effort, please. What do you mean एवे और ए टाइम पास? No, I'm just saying there has to be some guarantee ना. ना मेहनत करो and then. Yeah, please send me all the files immediately. Yeah, okay. क्या बात है भाई, आज मेरे ऑफिस में तूने कैसे दर्शन दे दिए? बस मैंने सोचा काफी दिन से तेरे पास नहीं आया हूँ, तुझे मिला नहीं हूँ, तो आ गया. कमाल है यार, मतलब तू खुद चल के मेरे ऑफिस आया. I don't know what to say. अब मुद्दे की बात करें, क्या बात है? नहीं कुछ खास नहीं, वो आज काफी स्पेशल डे है. मुझे पता लगा क्योंकि रास्ते में मैं देख रहा था सारी औरतें हाथों में मेहंदी लगा रही हैं, सजा रही हैं अपने आप को. याद है ना करवा चौथ में कितना मजा आया था? और बस यू मी नेहा. हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने तूने नेहा ने प्रिया ने हम सब ने. हाँ हाँ. हाय राम अंकल. हाय भाई, तू तो आजकल दिखता ही नहीं है, क्या हुआ? वो बुक स्टोर में सेल्समैन की नौकरी ले ली क्या? हाँ राम अंकल, आप भी ना, आपकी हिट लिस्ट में हमेशा मैं ही रहता हूँ क्या? ये टिफिन किसने भेजा? डैड, वो
एक्चुअली प्रिया आंटी ने दिया है, शी इज कुक समथिंग स्पेशल. मैं कैफे में ही खा के आ गया हूँ और ये आप लोगों के लिए भेजा है. एंड बाय द वे ट्रस्ट मी, शी इज एन अमेजिंग कुक, बहुत डिलीशियस खाना है. हाँ यार, तुम्हारी प्रिया आंटी तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है. विश आई कुड ईट इट, लेकिन तो आज खा नहीं सकता ना, मेरा फास्ट है ना. एक काम कर, तू छोड़ जा, मैं राम को भी खिला दूंगा और बाकी का घर भेज दूंगा ड्राइवर के साथ. ओके, एक मिनट, ये सारा खाना प्रिया ने बनाया. हाँ. और obviously तुम लोग सब ने, I mean, बुक स्टोर में obviously तुम लोग सब ने खाना खा लिया होगा. Must have had lunch. हाँ अंकल, हम सब ने तो कैफे में ही खा लिया था. I actually over it. अच्छा डैड, I have to go, मेरी क्लास है तो. हाँ ठीक है, जा. राम अंकल, I think you should try the food. It's really delicious. Bye डैड. Bye राम अंकल. Bye. ने टिफिन बनाया तो खाना तो बहुत अच्छा हो गया यार, लेकिन मैं तो आज खा नहीं सकता. आएगा? देखा तूने? Did you just see what just happened? सब कुछ मुझे ही याद है, मैडम को तो कुछ भी याद नहीं है. मतलब कल की बातें हम लोग याद कर रहे थे और आज देख, नॉट ओनली शी कुकिंग फूड, लेकिन इतना अच्छा खाना बना रही है कि बाकी सबको भी खिला रही है. वाह, ये हुई ना बात. अरे राम देख, इट्स ओके यार. अब मतलब तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है प्रिया से? एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता हूं मैं उससे. बस पता नहीं क्यों मैंने सोचा था कि शायद मे बी वो करवा चौथ का व्रत रखेगी, बट आई वाज स्टूपिड. कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा. ओके तू मतलब तू आज भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रिया तेरे लिए करवा चौथ का फास्ट रखे? क्यों, तू तो उसे अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है? ऊपर से तूने पीहू की कस्टडी का केस ठोक दिया उस पर. तो व्हाट आर यू रियली सेइंग कि मतलब जिसके ऊपर तूने कोर्ट केस किया है वो तेरे लिए फास्ट भी रखे? एंड यू नो व्हाट, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तू इतना हर्ट क्यों हो रहा है. हेलो हेलो, मैं हर्ट वर्ट कुछ नहीं हो रहा. ओके, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. अरे तेरे चेहरे पे लिखा है भाई कि तुझे ये सब बहुत बुरा लग रहा है. क्यों देखूं? तू देख रहा है ना? देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ. तुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रिया ने तेरे लिए फास्ट नहीं रखा और तूने उसके लिए फास्ट रखा है जैसे तू पिछले 5 सालों से रख रहा है. मैंने कोई व्रत नहीं रखा है उसके लिए. ओके, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तू मुझे जानता है, मुझे लगता है कि मैं खाने के बगैर रह भी सकता हूँ. कुछ व्रत नहीं रखा है मैंने. ओके, आई हैव ईटन. अच्छा तो तूने फास्ट नहीं रखा ना? एक काम करते हैं, लंच टाइम है, एक काम कर, प्रिया ने खाना भेजा है ये ले. हाँ नहीं ना, टेस्टी है. नहीं, एक्चुअली सुबह मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लेट लिया था और मैंने बहुत बहुत भारी ब्रेकफास्ट खाया था, सो आई एम अ लिटिल टू फुल. आने से पहले मैं मैंने सोच लिया था कि मैं लंच स्किप कर लूं. ओए रहने दे, फालतू के झूठ मुझसे मत बोल. साफ साफ क्यों नहीं बोलता आज तूने फास्ट रखा है जिस तरह तू पिछले 5 साल से रखता आ रहा है, वो भी प्रिया के लिए. सो डोंट लाइ टू मी. ओके, कम बैग रखो वहां पे. हाँ, क्या बोल रहे थे आप, क्या हुआ स्कूल में? पता है स्कूल में ना हमको करवा चौथ के बारे सिखाया है. करवा चौथ के बाद स्कूल में मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि मम्मा लोग पापा के लिए उपास रखते हैं, वो सारा दिन कुछ नहीं खाते. जब रात को उस टाइम में मून आता है तब मम्मी मून को देख के और पापा को देख के खाना खाती है. आपने भी पापा के लिए उपास रखा है मम्मा? पीहू, ये सब बड़ों की बातें हैं बच्चे, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. मम्मा प्लीज प्लीज बताओ ना, आपने पापा के लिए उपास रखा है कि नहीं? हाँ, मामा ने भी आपके पापा के लिए फास्ट रखा है. वाह, आप मून देख के खाना खाओगी, बहुत मजा आएगा ना? हाँ
जब स्काई में मून आएगा ना, तो पहले मामा मून को देखेगी, फिर आपके पापा को देखेगी, फिर आपके पापा मामा को पानी पिलाएंगे, उसके बाद मामा खाना खाएगी। क्या हो जाएगा? हम लोग तो मून देखने भी जाएंगे ना, और करवा चौथ भी सेलिब्रेट करेंगे ना। बीहू, पहले आप चल के यूनिफॉर्म चेंज करो और कुछ खा लो, उसके बाद बातें करेंगे। मम्मा प्लीज बताओ ना, हम लोग जाएंगे कि? अच्छा जाएंगे, ओके, लेकिन पहले आप यूनिफॉर्म चेंज करो। कम ऑन, चलो उठो। देख राम, मैं समझ सकता हूँ कि तुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन तूने प्रिया को और चॉइस कर दिया। तो जब से आई है तुझसे बात करना चाह रही है, तुझसे एक बार मिलकर सब एक्सप्लेन करना चाह रही है, लेकिन तू क्या कर रहा है? सिर्फ उसको अपना गुस्सा दिखाया जा रहा है। That's not right. कितना rudely behave कर रहा है तू उससे। I mean, you, it's just not justified. हाँ हाँ, सारी गलतियाँ तो मेरे में ही है ना, पूरी दुनिया की गलतियाँ मेरे में ही है, rude भी मैं ही हूँ, है ना? सब कुछ गलत मैंने ही किया है। अपने आप को मैंने ही 5 सालों तक गायब करके रखा था ना, अपनी बेटी को मैंने ही 5 सालों तक अपने आप से अलग रखा था, है ना? Come on यार, अगर गुस्सा है मेरे अंदर तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ तो दिखाऊंगा। तो कब तक गुस्सा रहेगा तू? पूरी उम्र गुस्से में निकाल देगा? राम, जिंदगी गुस्से से नहीं जी जाती। एक बार ये गुस्सा साइड रख और बैठ के बात कर प्रिया से। देख राम, सोच के देख, प्रिया की लाइफ आज कितनी टफ, क्या क्या सहा होगा उसने 5 साल में, और आज भी बेचारी क्या है उसके पास, एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही है पीहू के साथ, इतनी दिक्कतें हैं, उसके ऊपर तूने ये कस्टडी केस की तलवार लटका दी है उसके ऊपर। हैव यू एवर थॉट उसकी लाइफ कितनी मुश्किल है आज? कुछ के तो देख। हेलो, मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ये तू भी जानता है, वो भी जानती है, बट यू नो व्हाट, मेरे मदद की जरूरत ही नहीं है उसे, क्योंकि उसके पास रजत जो है, सब कुछ तो कर रहा है वो उसके लिए, तो वो टफ लाइफ शी गोइंग थ्रू यार। ये पता नहीं चला क्या शानदार बुक स्टोर खोला है दोनों ने साथ में, और व्हाट अ फैंटास्टिक नेम, प्रिया शर्मा एंड रजत कपूर एंटरप्राइज, तो व्हाट टफ लाइफ आर यू टॉकिंग अबाउट यार? यार राम, तू ना एक मिनट, मेरी बेटी का फोन है। हेलो पापा। हाय रॉकस्टार। पापा आप मेरे घर कब आओगे? आज तो नहीं आऊंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कल सुबह आके आपको स्कूल ले जाऊंगा। ओफो पापा, अगर आप नहीं आओगे तो करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट होगा? आपको करवा चौथ के बारे में कैसे पता है? पापा अगर आप नहीं आओगे तो मम्मा खाना ही नहीं खाएगी ना। क्या मतलब, मम्मा ने खाना नहीं खाया? आज मम्मा का फास्ट है ना, मम्मा ने कुछ नहीं खाया। जब कल में मून आएगा, मम्मा मून को देखेगी, फिर पापा को देखेगी, फिर पानी पिएगी, यही होता है ना करवा चौथ पापा? हाँ हाँ यही होता है। मुझे आपको और मम्मा को दोनों को सेलिब्रेट करते हुए देखना है, आप आओगे ना पापा? हाँ ठीक है, आऊंगा। ओके बाय। अब कुछ नहीं यार, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ याद आ गया, तू भी निकल जाके रिया के पास जा, काफी टाइम। हाँ हाँ मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू तो अब यहाँ रुक ही नहीं पाएगा, वो तो अब जल्दी है ना भाग के जाके प्रिया से मिलने की। भाभी, I'll help you, मामा भाग गई। Hi. Hi, what brings you here? मुझे लगा you might just need some help with your cupcakes. आज कोई cupcakes नहीं बनने वाले। क्यों? अरे no time. करवा चौथ है, बच्चों ने इंसिस्ट किया कि मैं ही खाना बनाऊं, और यू नो व्हाट, मैं एक से ज्यादा डिशेस बनाना चाहती हूँ, पर इस सब में मेरा हेयर कलर रह गया, नो टाइम टू गो टू द पार्लर। पर आपको पार्लर क्यों जाना है? यू हैव गार्नियर कलर नेचुरल्स राइट हियर। हाँ कलर तो है, लेकिन पार्लर जाना पड़ेगा ना, खुद कैसे करूँ? अरे पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आई हैव सीन ऑल माय फ्रेंड्स मदर्स डू इट, घर पे ही कर सकते हो, बहुत कन्वीनियंट है, एंड सी इट सेज It has natural olive oil. It's great for your hair. That I know. अपने आप कोशिश कर लो। Bingo. Genius.
टाइम बिल्कुल नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे अरेंजमेंट्स करनी है करवा चौथ के लिए, सो प्लीज हेल्प मी आउट क्विकली। हाँ हाँ बोलो ना, क्या हेल्प करनी है बताओ। ये पहन के आप आज पार्टी में, ओके आई हैव डिजाइन्ड। अरे इट्स सो ब्यूटीफुल। आई नो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन नताशा, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ ना यार, ड्रेस अप होने का मन नहीं है बिल्कुल। ड्रेस अप होने का मन नहीं है, व्रत रखने का मन है, राइट? जहां तक मैं आपको जानती हूँ, आई एम श्योर अपने भाई के लिए व्रत रखा है, आप शाम को पूजा भी करेंगी और व्रत तोड़ेंगी, राइट? सो ड्रेस अप। नताशा प्लीज अंडरस्टैंड यार, मेरे और तुम्हारे भाई के बीच में कुछ तो है नहीं अब। व्हाट्स द पॉइंट, किसके लिए ड्रेस अप होंगे मैं? प्रिया, इट्स करवा चौथ, साल में एक दिन, ओनली वन डे फॉर वी गर्ल्स, सो यू विल ड्रेस अप अपने लिए, इफ नॉट पीहू के लिए, क्योंकि पीहू बहुत ज्यादा एक्साइटेड है करवा चौथ को लेकर, वो सब कुछ देखना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है, एंड शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू ड्रेस अप। ओके, यू विल वेयर दिस, शाम को मिलेंगे, बाय नताशा, बाय 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 बाय, आई डोंट हैव टाइम, बाय। अरे प्रिंसेस तो आप हो बेबी, मैं तो सिर्फ प्रिंसेस की मम्मा हूँ। वैसे आपकी मम्मा को ना आज नताशा बुआ ने तैयार किया, ये साड़ी उन्होंने डिजाइन की है, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तो थैंक यू बोलो। थैंक यू मम्मी बुआ। मोस्ट वेलकम। आपके हाथ में किसका फोटो है? पापा की। फोटो से याद आया, मैं तो कार्तिक का फोटो लाना भूल गई। अरे तो जल्दी जाकर लेकर आओ ना, चांद निकलने वाला है। मम्मा, पापा का फोटो क्यों है? पहले मम्मा चांद को देखेगी, फिर पापा की फोटो देखेगी, उसके बाद ही तो मम्मा करवा चौथ की पूजा करेगी। तो पापा नहीं आएंगे मम्मा? पीहू बेटे यहाँ आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें करवा चौथ की कहानी सुनाती हूँ। जाओ भागो। जा मेरा बच्चा, तुम्हें करवा चौथ की कहानी सुननी है ना? हाँ। मैं तुमको सुनाती हूँ बड़ी अच्छी कहानी। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, जीते दा बेटा सदा सुहागन। प्रिया, तुमने हमारे कहने से ये व्रत रखा, इसकी हमें बड़ी खुशी, और पूजा का सामान ठीक से रख लिया ना? हाँ। और अब देख चांद निकलने ही वाला है, जाके दिया विया जला के एकदम रेडी हो जाओ। जी मैं तैयारी कर लेती हूँ। हाँ। दादी को तंग मत करना, ओके? हाँ। तो चलो शुरू करें करवा चौथ की कहानी तुम्हारे लिए। हाँ। अरे देखो चांद निकल आया।
एक सवाल पूछ सकता हूँ? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.